अस्सलामुअलैकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी पहले से ठीक हूँ। रात कल मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर अब मॉर्निंग हो गई है तो बस काम तो करना ही है, तो बस हम काम स्टार्ट हो गए थे मेरे। जो भी दिन भर का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया था। आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि जाड़ों के दिन होते हैं ना, और बादल भी हैं, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, और देखिए इधर सूरज भी है। और गाइस मैं जा रही हूँ भाभी से मिलने, क्योंकि भाभी जा रही हैं दुबई, तो उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तबीयत तो ख़राब हो रही, लेकिन फिर भी एक साल बाद मिलना होता, फिर वो बेचारी एक साल बाद ही आएंगी। भाई, बच्चे, भाभी सब एक साल बाद आएंगे, तो बस मैं भाभी से मिलने के लिए जा रही हूँ और उनसे मिल के मैं जल्दी लौट कर आ जाऊँगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, बस मैं जा रही हूँ, और आप सभी मेरे साथ चलिए, हम सब भाभी से बच्चों से मिल लेंगे, फिर एक साल बाद मिलेंगे उनसे, एक साल बाद ही आएंगी फिर वो। यहाँ हमने ले लिए बच्चों के लिए बनाना, क्योंकि किसान आयशा को बनाना पसंद है, और कुछ आगे से देखते हैं कुछ और भी ले लेंगे बच्चों के लिए। गाइस देखिए आज भाभी भी दुबई जा रही हैं, तो अब भाभी से मिलने आए थे हम बच्चों से, क्योंकि चली जाएंगी फिर एक साल बाद मिलेंगी, है ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो, हो सके तो अल्लाह का हुक्म हो तो बीच में भी आ जाएंगी। तो बच्चे जा रहे हैं, बहुत याद आएगी, अभी तक नानी के घर थे ही अपने, छोटी सी हेलो कह दो, किंदा हेलो तो। चले भाई रिम्मी अब कब मिलोगी, हाँ इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करियो। तुम लोग आते हो तो इतनी रौनक हो जाती है, बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। वो तो छहदा भाई तो चले गए, अब भाभी जा रही है बच्चों को लेके, अल्लाह पाक साथ खैरियत के पहुँचे दुबई अपने घर। मायशा देखो बेटा इधर, हमारी मायशा देखिए, हेलो कह दो बेटा, देखिए माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और यहाँ बैठे हैं शामान और अम्मी, देखिए हमारी किंजू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और डैडी भी देखेंगे ये वाला व्लॉग, डैडी को भी सेंड कर दूंगी, लेकिन डैडी देखेंगे कि बच्चे मेरे रेडी हो रहा है आने के लिए। हेलो किंजू, हेलो कह लो, जल्दी करो, डैडी देख रहे हैं, डैडी देखो, डैडी हेलो, देखो देख रहे हैं कॉल पे है डैडी, है ना, हेलो। जाने से पहले सबकी फोटो ले रहा है, अम्मी के सबके साथ बच्चों का और रिमी का। हीरोइन रेडी हो गई एकदम, हीरोइन नानी का देखो, नानी के मत वो करो बस, अब देखो यार, अरे वाह, दादी की गोद में बैठ जाओ दो मिनट के लिए, अच्छा गोद में बैठ जाओ पास में। ये मायशा की तो पैकिंग रेडी है, ये मायशा का कपड़े खाली है, अच्छा। मायशा के टॉप का कलर कितना प्यारा लग रहा है, मायशा भी माशाल्लाह मॉडल है पूरी। ये भाभी जा रही हैं, और बच्चे भी जा रहे हैं, चलें खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। शाबान आप क्या कर रही हैं, शाबान फोन चल रहा, और ये किंदा क्या कर रही है, किंजू अपना सामान पैक करके रख रहे हैं, ठीक है उसके साथ तो बहुत ही खेल लेंगे, पापा को
मायशा मायशा आप डैडी को कोई मैसेज देना चाहती हो बोलो इस पे। डैडी आई एम कमिंग। बोलो बस। अच्छा ये तो बताओ कि डैडी लेने आ जाना, एयरपोर्ट लेने आ जाना, डैडी से क्या बोल दो तो डैडी आएंगे एयरपोर्ट लेने, है ना? डैडी को बोलो हेलो। बोलो हेलो हेलो पप्पो हेलो। हाँ किंजू किंजू से बोलना नहीं आता। और सात खैरियत के पहुँचे। आमीन। किसी नहीं कराती। आई एम कमिंग दुबई। कंफ्यूज है वो। कंफ्यूज आई एम कमिंग। ये भी एक इमोशनल मोमेंट है बहुत ज्यादा। उस दिन तो भाई जा रहे थे लेकिन आज भाभी और बच्चे भी दुबई जा रहे हैं। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह पाक साथ रखे। हाँ अरे वाह खुश रहे। मेरी फैमिली दोनों मम्मी को जा रही हूं अभी। बच्चे अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए बहुत दे बहुत अल्लाह जी ये भी काम करना है। मालूम है वो पिछले भी घर में थी। पान खाना खिलाओ। कॉल कर रहे हैं। एक बच्चा तो आ भी गया। वो कॉल कर रहे हैं मम्मी ऑटो वाले। चलो मम्मी को घूमने चले गए। मायशा ऐसे कर दो। रेडी हो गई जा ले मम्मी। आराम से एसी बैठ जाए करिए और टीवी लगा हुआ है। कोई दिल घबराए बिल्कुल। हाँ सही बात है। जा रहे हैं बच्चे। वीडियो कॉल करती रही हो वहाँ से। अच्छा पहुँच कर मम्मी का नंबर सेंड कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम्हारे नंबर पे कर देंगे। मम्मी बॉडी को उठाइए। बॉडी बॉडी पानी वाली। उस दिन तो भाई चले गए थे, आज भाभी भी सबसे मिलकर जा रही थी तो मम्मी रोने लगी क्योंकि बच्चे थे तो मम्मी के घर से आई थी लेकिन आ गई थी तो ये था कि रौनक हो गई थी घर में। तो मम्मी फिर भाभी को गले रख के रोने लगी क्योंकि ये है कि अपनी औलाद की औलाद है और भाई वो भी हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं भाभी। तो बस भाभी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, घर सुमसाम हो गया बिल्कुल। और बस दूर के लोगों का यही होता है कि कुछ टाइम के लिए आते हैं लेकिन बस अल्लाह पाक जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारी तो यही दुआएं हैं। और देखिए गाइस ये लीनू की चोटी बनाई है समीना ने। फिश प्लेट कितनी प्यारी लग रही है। अब बोली बोली भी लग रही है। आपने कहाँ से सीखी ये चोटी बनानी? आती है बनानी। किसी को अगर बनवानी है तो हमारे पास आ जाए। दोपहर भाभी आई थी तो देखिए बच्चे आए थे तो नूर थी यहाँ पे तो नूर ने बिरयानी बना ली थी गाइस सबके लिए दोपहर की। हम लोग तो खैर खाना खा के आए थे लेकिन नूर ने सबके लिए बिरयानी बनाई थी और भाभी के लिए बच्चों के स्टू बनाया था। और गाइस अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा चिकन का कोरमा। तो बस चिकन कोरमा बन जाएगा ना। यहाँ पर गाइस मैं बना रही थी नहारी क्योंकि पहले चिकन कोरमा बन रहा था लेकिन फिर सब ने कहा कोरमा नहीं खाएंगे नहारी बना लो। तो बस मैंने ये नहारी बना ली थी और थोड़ी सी दोपहर की बिरयानी भी रखी थी और थोड़ा सा स्टू भी रखा था। तो बस खाना वाना हमने बना के खा लिया था।
और देखिए कितनी अच्छी लग रही नहारी देखने में, कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है नहारी का। सब लोग बैठकर कर रहे हैं बातें, बस हम भी अब थोड़ी देर में घर जाएंगे। और देखिए मैं दिखाती हूँ रब्बाना और अर्श कितना शैतानी कर रहा है यहाँ पर, शैतानी कर रहा है। देखिए गाइस ये अर्श और ये रब्बान, देखिए देखिए कितनी शैतानी कर रहा है दोनों के दोनों। ब्लॉग का हम यहीं करते हैं, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बस भाभी से मिलने के लिए आ गए थे, वरना जाना नहीं था हमें, क्योंकि बच्चे भी जा रहे हैं, फिर एक साल के बाद ही मिलेंगे बच्चे भी और भाभी भी और भाई भी, तो बस निकलते हैं घर के लिए। देखिए हमने यहाँ से ली है आइसक्रीम मैंगो एंड कोला, और ये हमारे आइसक्रीम वाले जिनसे हम यहीं से लेते हैं मंडी चौक से आइसक्रीम। आप भी मंडी चौक आए तो इनसे ही आइसक्रीम लें, बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम है इनके पास। अभी तो सारी मार्केट खुली रही है ना, एक आइसक्रीम की शॉप ही है। आज मैंगो लेते हैं, हम उधर जाएंगे इधर भी मैंगो वाला।